नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ में। आज हम एक ऐसी दुकान से वाकिफ कराएंगे जिस दुकान का बोर्ड हमने पहली बार जब पढ़ा तो हमें भी बड़ा आश्चर्यचकित लगा कि इतना अच्छा मिशन और इतना अच्छा ज्ञान इन्होंने लिखा है इसके अंदर। नशा मुक्त दुकान, नशा मुक्त दुकान। दुकान में तो बहुत सारी नशीली वस्तु मिलती है, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिसके दुकान में बताया जा रहा है कि बिल्कुल नशीली वस्तु को नहीं देते। ये हम इनसे भी मिलवाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या यहाँ नशीली वस्तु मिल सकती है? सर नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। नशे की कोई, नशे नाम की चीज़ नहीं है। नशा तो दूर की रहा, नशे नाम की चीज़ नहीं है। न तो हम खाते हैं और ना ही नशा बेचते हैं। नशा हमारे गुरु जी ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान के विचारों से, उनके पुस्तकों के माध्यम से, TV के माध्यम, सत्संग के माध्यम से, सच्ची भक्ति सच्चा ज्ञान होने के नाते हमको एकदम से सही सही मालूम पड़ा कि नशा ही नहीं, गंदी कुरीतियों से इतनी दूर रहना है। खाना तो दूर, उनका साथ भी देना एकदम असंभव है। हिंदुस्तान में हर वर्ष हर दिन बहुत ज़्यादा कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं लोग, और न जाने कितने लोग बिना पैसे के दम तोड़ देते हैं हॉस्पिटलों के अंदर। अच्छा ये बताइए, जैसे जिस प्रकार से ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, हम TV में सत्संग बहुत दिनों से देखते थे। हमको भगवान की प्रेरणा थी कि हमको भगवान मिले, और कैसे मिले, हम मानव धर्म पाए क्यों हैं, क्या पूजा करते हैं, तमाम प्रकार, गढ़वा घाट, अड़गड़ानंद, जय गुरुदेव पंत, तमाम लोगों के पास गए, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली कहीं। धीरे धीरे देखते 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 एक दिन TV पे सत्संग मिला 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। पहले इंटरव्यू देखा, उसके बाद में दूसरे दिन से लगे करीब 6-7 महीने तक लगातार कंटिन्यू देखते देखते फिर समझ में आया। फिर हम रोने लगे कि परमात्मा इतनी अच्छी चीज़, इतने लेट हम पहुँचे। 2018 में हमने नाम दीक्षा लिया सोराव नामदान सेंटर में, तब से हमको सीख मिली और इतनी अच्छी सीख मिली, परमात्मा की अच्छी प्रेरणा मिली कि धीरे धीरे मैं भी बहुत गंदा विचार का और बहुत गंदा आचरण, कोई भी ऐसी नशा नहीं थी, भांग, तम्बाकू, गांजा, दारू, दिन का 20 पान मैं रोज का खाता था, घर पे कच्ची सुट्टी, तम्बाकू, तमाम गंदी कुरीतियाँ हमारे अंदर थी। अब ऐसी प्रेरणा हुई, ना हम गंदी चीज़ खाते हैं ना खिलाते हैं, हमारा कहे ना सगे वाला हो, हम रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन हम भाई चाय पीने के लिए और नाश्ता पानी कराए 200 रुपये खर्चा हो, लेकिन 2 रुपये की बीड़ी या 10 रुपये की सिगरेट हम कभी उसको नहीं दिलाते, उससे हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जब आगे निकलेंगे तभी हमारे समाज का और एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है, ऐसा इनका मानना है, तो इसलिए आज इनसे हम और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो आज जैसे जिस प्रकार से आपको देख पा रहे हैं आज लोग कि आप नशीली वस्तु पहले करते थे और फिर गुरु जी के बताए द्वारा ज्ञान होने के कारण आप नशीली वस्तु को छोड़ दिए, ठीक है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप, ये बताएं? रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि आप पहले गुरु जी के बारे में समझें, उनका ज्ञान गंगा पुस्तक जो है जन जन पे, घर घर पे SMS द्वारा पहुंचाया जा रहा है, और समझे पहले, खूब सुने धुने धुने, उसके बाद में आप दीक्षा लेंगे, आपका कोई भी गंदा विकार अपने आप ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि छुड़ाने के बाद आपको छूटना पड़े। अच्छा एक चीज़ और, एक सवाल आपसे और रहेगा, जैसे इस वक्त गुरु तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत तमाम गुरु हैं ऐसे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से ही ज्ञान लेने से वो लाभ या ये ज्ञान प्राप्त होगा? जी वेद प्रमाणों के द्वारा, और संत हैं जो मनमाना आचरण करते, मनमाना अपने ढंग से पढ़े तो हैं, ज्ञान तो है, लेकिन खुद के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और हमारे गुरु जी क्या करते हैं कि आप पढ़े हो, समाज आपका पढ़ा हुआ है, तो आप अपने पास मंगा के और हमारा खाली बताया हुआ प्रेस्ट पीस नंबर ये आप लेके और आप मिलान करिए, अगर सही हो तब हमारे शरण में आइए। इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, क्या सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है? प्रमाणित है, प्रमाणित है, हर वेदों में प्रमाणित है, ऐसा नहीं कि एक में, हर जगह प्रमाणित है, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, हर जगह प्रमाणित है, एक जगह नहीं, और सब में पृष्ठ द्वारा जहाँ जहाँ है वो सब में बता के और प्रमाणित करके दिखाया है, इसलिए। अच्छा, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि जो भी कुछ किया आपने, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन अब कह कबीर गई वही जब से चेतन तब से, अगर आज भी आ जाते हो और गुरु जी का सत्संग सुन के, उनका प्रवचन सुन के, उनके किताब के माध्यम के द्वारा से अगर आप आ जाते हैं, आज भी आपका जीवन यथार्थ कल्याण हो सकता है। जो आपको देख रहे हैं इस वक्त दर्शक,
नशीली वस्तु की क्या कहेंगे कि नशीली वस्तु खाना चाहिए या त्याग देना चाहिए, या कोई कह रहा है कि हमसे छूटता नहीं, किस प्रकार से छोड़ा जाएगा ये नशीली वस्तु? जब आप चाहोगे, जैसे आपने शुरू किया वैसे आप चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं, हम भी 40 साल से लगातार, जब हम 8वीं पढ़ रहे थे उस समय हमारी उम्र ज़्यादा 14 या 15 साल की थी, तब से मैं बीड़ी पी रहा था। और लगभग 2017 जब तक गुरुजी के शरण में नहीं आए तब तक हम नशा कर रहे थे, तो भरपूर नशा कर रहे, हफ्ते में एक दिन भांग और बीड़ी, सुरती, कच्ची तम्बाकू और तमाम गंदी नशाएं और भी थी। लेकिन ऐसा हो गया कि आज हम पीना तो दूर, अगर कोई बीड़ी पीने वाला माचिस भी मांगे या हमको पूछे भैया यहाँ ठीका कहाँ है, तो भी हम उसको नहीं बताते और देते तो दूर, कुछ खिलाते भी नहीं हैं, हम उससे बहुत दूर रहना चाहते। तो हम तो यही कहेंगे कि भक्तों या संतों भाई जगत वाले, आके आप सत्संग सुनो, पहले समझो, उसके बाद में आप गुरु जी के शरण में आओ और अपना गंदा विकार दूर करो। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर गुरु का ज्ञान न हुआ आपको तो समझ लीजिए कि आप नशीली वस्तु नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीखना तो आसान लेकिन छोड़ना मुश्किल, ऐसा आप लोगों का कहना है। इसलिए दोस्तों दर्शकों, हमारा ये प्रयास कैसा रहा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं राकेश कुमार, जय हिंद।